ਦੇ ਪਏ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮਜ਼ਹਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ 72 ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਆਏ ਵਧੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਏ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਖਰ ਦੇ ਸਰੈਕੀ ਗੁਲੂਕਾਰਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਅਤੇ ਨਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੈਕੀ ਸਿੰਗਰ ਇਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਲਿਕ ਸ਼ੇਰਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਅਫੀਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੈਕੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਲਿਕ ਸ਼ੇਰਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਿਣਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਹਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ 72 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ੇਰਾਜ਼ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈ ਸ਼ੇਰਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਮ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਮੇਂ ਸਿੱਖਾ ਆਪਨੇ? ਅਸਲ ਮੇਂ ਸਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਝੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है दोस्तों भाइयों की दुआओं से। तो मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं उस्ताद इजाज़ साहब, अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाली साहब की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ हैं, भाइयों की, कुछ दोस्तों की, फ्रेंड की, चाहने वालों की, अल्लाह पाक साहब को खुश रखे, उनकी मोहब्बतें हैं। तो शेराज़ भाई, आपकी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसकी सपोर्ट है? असल में सारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे वालिद साहब की है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगिंग स्टार्ट करने से पहले मकसद है, वो मुझे कहते थे भी सिंगिंग स्टार्ट कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। और वो जिधर भी जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ या मकसद है जिधर भी हूँ, वो मुझ पर नज़र रखते हैं एक तो, और दूसरे नंबर पर मुझ पर बहुत मेहनत करवा रहे हैं अल्लाह पाक। माशाल्लाह, आप शो में भी जाते होंगे, जैसे आपको शो मिलते हैं तो वहाँ से आपको क्या पेमेंट हिसाब मिलता है? अगर फी शो आप वन शो जाएं तो आपको क्या मिलता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा 25 तारीख को प्रोग्राम है इधर ही बखर में नहर कलोनी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शो का ले लेते हैं। मकसद पार्टी वाइज के लिहाज से होता है, बखर सिटी एरिया में 40-30 हज़ार इतना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है, तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। तो अगर हम साहब वगैरह बुलाएं फिर डिस्काउंट करते हैं आप? आप जैसे भाई आ जाएं, दोस्त आ जाएं तो फिर तो मजबूरी बन जाती है, जहरी बात है भाई। आप जैसे भाई आ जाएं तो जिंदाबाद, इनकार भी बंदा नहीं कर सकता ना। जिंदाबाद, आप जैसा भाई सिंगर होना चाहिए। तो आप हमें अब क्या सुनाएंगे? आपको लोग जो है माशाल्लाह हमारे चैनल पर, हमने टिकटॉक पर आपकी वीडियो लगाई हैं, तो कुछ शॉर्ट में लगाई हैं, तो लोगों ने बहुत पसंद की है, लाइक की है, कमेंट में जवाब भी दिया है कि शेराज़ भाई से जो है ना इनकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में जो है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो इसके बाद आप हमें सुनाएंगे जो आपका सबसे मशहूर जो है गाना, आपका जो मशहूर हुआ है मियाँ वाली साड़ी ते तुआड़ी सांझी है, ये सरैकी दे विच तो साख है। हाँ, मैं ये सरैकी भी आँदी है, मैं उर्दू तां गल करें ना भाई, उर्दू जेड़ी है ना साड़ी कौमी जबान है, हुण सरैकी ते आवेंदे आ ते मैं इस वास्ते शुरू शुरू च उर्दू बोलिए भाई, और दिता है ना भाई पूरी दुनिया देखे भाई शेराज़ भाई नू, ते हुण तुसां सानू केड़ी शै सुणे सो? इंशाल्लाह मेरा जेड़ा नवा गीत आया मियाँ वाली ते साड़ी सांझी है, ते उस तो पहले भी 2-3 एल्बम आ चुके ना अल्हम्दुलिल्लाह, थानू पहले वही सुने ने मियाँ वाली ते साड़ी सांझी है। मियाँ वाली चू आए होया तंग ना कर जी में अगे जग दे सताए होया, ओ मेरा माया कोई मेरा तू कसूर दस, क्यों थिया वदे मेरे कोलू दूर दस, ए दुनिया लड़ावना चा दिए कुछ सोचता सही, मियाँ वाली ता साड़ी साझी, मियाँ वाली ता साड़ी साझी, मेरा माया कोई मेरा तू कसूर दस, क्यों थी आवत है मेरे कोलू दूर दस, ए दुनिया लड़ावना चाहती है
कुछ सोचता सही ओ मियां वाली ता सादी साजिए ओ मियां वाली ता सादी साजिए निकी निकी गल ते करने छेड़े यारा नाल मुकाबले केड़े निकी निकी गल ते करने छेड़े यारा नाल मुकाबले केड़े मेरी गलती बेक तू हजूर दस क्यों थी आवत मेरे कोलो दूर दस ते दुनिया लड़ावना चाहती है कुछ सोचे ता सही मियां वाली ता सादी साजिए ओ मियां वाली ता सादी साजिए बात है माशाल्लाह माशाल्लाह यही तो आज में शराज भाई के जो है हमारे चैनल पे बहुत लोग लाइक करते हैं आपको माशाल्लाह हमारी दुआएं हैं मजीद हमारे दोस्तों की दुआएं अल्लाह ताला आपको बुलंदियां दे और सबसे ज्यादा बड़ी दुआ आपके उस्ताद मोहतरम की है जो आप हाँ जी बिल्कुल खुश रखे और मेरे उस्ताद को अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे आमीन आमीन अल्लाह पाक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम उस्ताद जी आपके तकरीबन पाकिस्तान में काफ़ी शागिर्द होंगे तो माशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में जो है इर्द गिर्द जाते हैं शागिर्दों को सिखाने जी जी जाते हैं तो आज हमने ये दो तीन दिन से शराज भाई से टाइम लिया हुआ था इंटरव्यू के लिए तो पहले भी एक दो आपके शागिर्द का हमने इंटरव्यू लिया है तो माशाल्लाह शराज भाई के आपके इस शागिर्द के जो है हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं भाई इनका जो है एक हमें दोस्तों ने फरमाइशी गाना भी बताया उस्ताद जी इसको आपने इस मेहनत से इनको सिखाया है कितना टाइम लगाया इस पर देखिए जी सबसे पहली बात है इंसान का जो अपना अंदर का इंसान है ना वो फनकार होता है इसका अंदर का फनकार है जो इसे बना रहा है ये खुद मेहनत करता है टाइम देता है जो टाइम देता है तो फिर वो सीखता भी है और गाना भी अच्छा गाता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक इसे कामयाब करे और मेरा साथ इनके साथ है